वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं 2014 की साइफाई थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिसका नाम है द फाइनल कट। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी में हम एलन नाम के एक यंग लड़के से मिलते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर को विजिट करने जा रहा था। वह एलन लुइस नाम के ऑलमोस्ट उसके ही उम्र के लड़के से मिलता है। यहाँ हम लुइस की एक बात नोटिस करते हैं कि लुइस बार बार अपने ग्लासेस टी शर्ट से क्लीन करता है और अपने नेकलेस से खेलता है। ऐसे ही खेलते खेलते वो दोनों एक अबैंडन फैक्ट्री के पास आते हैं। फिर वो दोनों फैक्ट्री को डिस्कवर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री में घूमते घूमते वो दोनों ऐसे जगह आते हैं जो ग्राउंड लेवल से हाइट पे होती है और बीच में एक बहुत ज्यादा गैप होता है। दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ एक लकड़े का एक लंबा सा टुकड़ा रखा था। एलन तो उसे आराम से पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन लुइस को डर लग रहा था। फिर भी एलन उसे ऐसा करने को कहता है। लुइस ट्राई करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाने से वो नीचे गिरने लगता है। लुइस होल्ड करने की बहुत कोशिश करता है और तभी एलन भी उसे बचाने जाता है, लेकिन एलन के हाथ में लुइस का सिर्फ नेकलेस ही लगता है। वो भागता है नीचे लुइस को देखने, लेकिन उसे सिर्फ लुइस की खून में डूबी हुई लाश मिलती है। ये सब देख एलन रोने लगता है। फिर वो खुद को संभालते हुए ब्लड मार्क को मिटा कर वहां से चला जाता है। इस बारे में एलन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता। वो सब टाउन से निकल जाते हैं। सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है। हम एडल्ट एलन से मिलते हैं, जो पेशे से एक कटर है। कटर मींस एक ऐसा इंसान जो लोगों के मेमोरीज को एडिट करके उन्हें परफेक्टली समराइज करके उनके बायोग्राफी वीडियो में कन्वर्ट करता है। इन वीडियोस को रीमेमोरीज कहा गया है। जू इम्प्लांट से कुछ फुटेजेस आती है जहाँ सब डेटा रिकॉर्ड होता है, बचपन से लेकर हमारी पूरी जिंदगी तक। लेकिन कुछ लोगों के ग्रुप्स को ये सब रिकॉर्ड करना पसंद नहीं था। वो प्राइवेसी के नाम पे प्रोटेस्ट भी करते हैं। इस बंदे के चेहरे और बॉडी पर हम टैटू देखते हैं। कटर के 3 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, जू के फुटेजेस कटर किसी को भी सेल और दे नहीं सकता। रूल नंबर 2, कटर जू इम्प्लांट नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, कटर किसी 2 डिफरेंस पर्सन की फुटेजेस मिक्स नहीं कर सकता रिमेमोरीज क्रिएट करने के लिए। एलन कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों के रिमेमोरीज बनाने के लिए फेमस था। एलन अपने क्लाइंट को मिस्टर मोनोरोस के जो हाल ही में गुजर गए थे उनके फुटेजेस दिखाता है। वो उनके रिलेटिव्स के रिएक्शन अपने नोटबुक में मेंशन करते हैं। एलन ने नोटबुक में लुइस का नेकलेस टाई करके रखा था। जैसे ही क्लाइंट वहां से जाता है वो मिस्टर मोनोरोस के रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तभी उस रिकॉर्डिंग में हम मिस्टर मोनोरोस को उनके वाइफ को मारते हुए देखते हैं। विदाउट सेकेंड थॉट एलन उस पार्ट को डिलीट कर देता है। लेट इवनिंग एलन और एक कटर हासन थेलेमा और उनके असिस्टेंट माइकल से मिलते हैं। थेलमा एलन से कहती है कि उनके एक फ्रेंड ने जॉब के लिए उन्हें एलन का नाम सजेस्ट किया है। इस बात पे एलन उन्हें बता देते हैं कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। हासन एलन को एक लड़की की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने इम्प्लांट किया और सबको उसके लाइफ के बारे में पता चल गया। फिर उस लड़की ने सुसाइड किया। थेलमा एलन को टेक लॉयर चार्ल्स बेनिस्टर के डेथ के बारे में बताती है, जिनकी वीडियो एक कटर के तलाश में है। उनके मेमोरीज थोड़े डिस्टर्बिंग है, इस वजह से थेलमा ये जॉब नहीं लेना चाहती। लेकिन एलन को इस बात की आदत थी और वो ये जॉब एक्सेप्ट करते हैं। एलन एक बुक शॉप में जाता है जहाँ वो डेलिला से मिलता है। एलन डेलिला को पसंद करता है, सो वो बुक शॉप बंद होने पर उसे अपने घर इनवाइट करता है। डेलिला को एलन अपना स्पेशल कंप्यूटर दिखाता है जहाँ वो रीमेमोरीज एडिट करता है। उस कंप्यूटर का नाम ग्लूलोटेन होता है। बातों के दौरान वो एलन से कहती है कि उसने और ना ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी रिमेमोरीज ट्राई किया है, क्योंकि वो उसे वैसे ही याद रखना चाहती है। नेक्स्ट डे एलन मिसेस बेनिस्टर का इंटरव्यू लेने जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि उनको मिस्टर बेनिस्टर की कौन सी मेमोरीज रिमेमोरीज में इम्प्लांट करनी है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी मिसेस बेनिस्टर की बेटी इजाबेल उनकी कॉन्वर्सेशन ओवरहियर कर लेती है। उसके बाद वो मिस्टर मोनोरोस की फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। फ्यूनरल में वो मिस्टर मोनोरोस के रीमेमोरीज उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिखाते हैं और उनके रिएक्शन अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तभी फॉर्मर कटर फ्लेचर वहाँ आ जाता है और उनसे मिस्टर बेनिस्टर के मेमोरीज $500,000 में खरीदना चाहते हैं।
लेकिन एज पर रूल एलन उन्हें मना कर देते हैं। फ्यूनरल से निकलते वक्त वो मिसेस मोनोरोज को उनके फ्रेंड से बात करती हुए देखते हैं। तभी एलन को याद आता है कि कैसे इनके फ्रेंड्स और मिस्टर मोनोरोज ने इन्हें चीट किया है। जब एलन बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं तो एक प्रोटेस्टर एलन को सर पे हिट करता है। नेक्स्ट सीन में एलन आईटेक कंपनी से मिस्टर बेनिस्टर के मेमोरीज लेने के बाद वो कंप्यूटर में सॉर्ट करते हैं। एलन फोटोग्राफ्स, न्यूज आर्टिकल्स एंड हिज ओन नोट से भी चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद एलन को पता चलता है कि उसे ये जॉब क्यों दिया गया है। मिस्टर बेनिस्टर अपने ही बेटी को अब्यूज किया करते थे। एलन उस पार्ट को डिलीट कर देता है। जब एलन पार्टी के फुटेजेस चेक करता है तो तभी नोटिस करता है कि एक बंदा अपने ग्लासेस टी शर्ट से क्लीन कर रहा है। एलन को लगता है कहीं ये लुइस तो नहीं। तभी वो उस आदमी को कंप्यूटर पे सर्च करने लगता है। ये बात शेयर करने के लिए एलन डेलिला के पास जाता है। तभी डेलिला उस पे नाराज होके कहती है कि उस रात के बाद एलन ने उसे कॉल नहीं किया। एलन अपना ज्यादा समय उनके कंप्यूटर के साथ ही बिताते हैं। ये सब सुन के बिना कुछ कहे एलन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से एलन थेल्मा के घर जाता है। नॉक करने पर माइकल डोर ओपन करता है और कहता है कि प्रोटेस्टर ने उनपे हमला किया। के तभी थेल्मा वहाँ आ जाती है और वो माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एलन थेल्मा को फ्लेचर के बारे में बताता है, लेकिन थेल्मा को इस बात का अंदाजा था कि फ्लेचर ऐसा करेगा, सो वो उसका रीजन भी बताती है। वो कहती है कि फ्लेचर की सिस्टर के सन की डेथ हो चुकी है। उसकी सिस्टर बिना किसी से बात किए सिर्फ उसकी रीमेमोरीज देख रही है। सो इस बात पे फ्लेचर ने अपने कटर के प्रोफेशन को क्विट किया था। वो आगे कहती है कि रूमर्स ऐसे भी है कि इन सभी एंटी इम्प्लांट्स के प्रोटेस्ट के पीछे फॉर्मर कटर फ्लेचर ही है। थेल्मा कहती है कि उसने बैनिस्टर के फुटेजेस की डिमांड की है क्योंकि फ्लेचर एक आईटेक लॉयर है और वो इसे इम्प्लांट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। एलन घर आने के बाद फिर एक बार कंप्यूटर के सर्च के बारे में चेक करता है, लेकिन बहुत टाइम लगने की वजह से वो डिसाइड करता है कि लुइस के बारे में वो फैमिली से पूछेगा। पहले तो वो अपने पास क्लाइंट से गन लेता है, फिर वो फ्लेचर से मिलने स्टेशन जाता है। फ्लेचर उसे बताता है कि वो खुद को पापी समझता है क्योंकि उसके क्रिएशन के वजह से लोग अपने पास से नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लिए उनके लव वंस अभी भी जिंदा है रीमेमोरीज के रूप में। इतना कहने के बाद फ्लेचर एलन से वो फुटेजेस मांगता है। फुटेजेस यूज करके वो न्यूज चैनल पे स्कैंडल क्रिएट करना चाहता है। वो एलन को साइमन का नाम बता के धमकाता है जो उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन एलन इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। रिसर्च का एक्सक्यूज देते हुए एलन फिर एक बार मिसेस बेनिस्टर से मिलने जाता है और उनसे सवाल करने लगता है। बातों बातों में वो लुइस के बारे में पूछ लेता है, लेकिन मिसेस बेनिस्टर लुइस को नहीं जानते हुए मना कर देती है। यह बात ना बनती देख एलन इजाबेल के पास जाता है। एलन उसे उसके फादर के बारे में पूछता है, लेकिन इजाबेल बात करने से साफ मना कर देती है। लेकिन जब एलन उसे बताता है कि उसने भी अपनी छोटी उम्र में दोनों पेरेंट्स को खो दिया था, तो ये बात सुनकर इजाबेल मान जाती है। वो लुइस के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो एलन को बताती है कि लुइस उसके टीचर थे जो लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट में गुजर गए। एलन वहाँ से जाने लगता है, तभी इजाबेल कहती है कि उसके फादर के रीमेमोरीज क्रिएट करते वक्त उसने अगर कहीं पे मिसबिहेव किया हो तो वो डिलीट कर देना। एलन प्रॉमिस करता है और वहाँ से चला जाता है। लुइस हासन से एक फेवर मांगता है कि उसे आईटेक कंपनी के अंदर जाना है ताकि वो लुइस का इम्प्लांट ढूंढ सके। कंपनी में जाकर वो इम्प्लांट सर्च ही कर रहे होते हैं कि तभी गार्ड्स आते हैं, लेकिन एलन और हसन अपने टॉर्च की लाइट बंद करके चुप जाते हैं। लेकिन इतना सर्च करने पर भी उन्हें लुइस का इम्प्लांट नहीं मिलता। लेकिन तभी एलन को हाकमन का इम्प्लांट मिल जाता है, मतलब एलन के पेरेंट्स का। एलन इम्प्लांट के बारे में नहीं जानता था क्योंकि एलन के पेरेंट्स की जब मौत हुई थी तभी वो छोटा था। एलन वो फाइल चोरी कर लेता है और रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में सेल्समैन एलन के पेरेंट्स को वो इम्प्लांट सेल कर रहा था। कुछ और न मिलने पर फ्रस्ट्रेशन में एलन अपने वॉशरूम के मिरर पर जोर से पंच करता है और घर के बाहर भागता है कि तभी स्ट्रीट पे उसे पैनिक अटैक आता है। एलन किसी तरह मैनेज करके डेलिला को कॉल करता है। डेलिला उसे उसके घर के अंदर लेके जाती है और उसका टेक केयर करती है। ठीक होने के बाद एलन डेलिला को कुछ डिफेक्टिव फुटेजेस दिखाता है। कुछ लोग अलग ही सोचते हैं और उनकी आंखें कुछ और ही देखती है, तो रिकॉर्डिंग्स में ऐसा लगता है कि वो इंसान हैलोसिनेट कर रहा है। डेलिला सो जाने के बाद एलन घर से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लेचर और साइमन उस पे नजर रख रहे हैं। एलन वहाँ से टैटू पार्लर जाता है। इस टैटू पार्लर में एक खास तरह की सिंथेटिक इंक यूज की जाती है जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके जू इम्प्लांट को रिस्ट्रिक्ट करती है।
एलन को दो टैटू करने के लिए कहा जाता है, वन फॉर ऑडियो ब्लॉकिंग एंड वन फॉर वीडियो। मतलब अगर किसी इंसान ने इस इंक का यूज करके टैटू किया तो उसका इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। आर्टिस्ट को पता होता है कि ये कटर है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे कहती है कि उसे पूरे फेस पे टैटू करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग टैटू इसीलिए करते हैं कि उन्हें इम्प्लांट करने वालों को अपना स्टैंड बताना है। एलन एक स्मॉल टैटू अपने बैक पे करवाता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, उसे ग्लुलोटाइन से आवाज आती है। उसे लगता है कि घर में कोई घुस के उसके फुटेजेस चोरी कर रहा है, तो वो अपनी गन निकाल कर धीरे से अंदर जाता है। लेकिन अंदर डेलिला उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ के फुटेजेस देख रही होती है, जो एलन ने अपने पास रखे थे। ये डेलिला को काफी डिस्टर्बिंग लगता है। एलन को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे और गुस्सा आता है जब वो उसके हाथ में गन देखती है। गुस्से में वो एलन से गन छीन कर उसे एक स्लैप करती है और गन से ग्लुलोटीन पे शूट करके उसे डिस्ट्रॉय करती है, और वहाँ से जाने से पहले वो बेनिस्टर की फुटेजेस भी तोड़ देती है। एलन ब्रोकन इम्प्लांट्स हासन के पास लेके जाता है उसे फिक्स करने के लिए, लेकिन वो रिपेयर से बाहर होता है। एलन हसन से कहता है कि मुझे ये एक बार ट्राई करना है, लेकिन उसके ये वर्ड सुनकर हसन उसे एक पंच मारता है। होश में आने के बाद एलन वहाँ थेल्मा को देखता है। एलन ने रूल तोड़ा था और ये बात उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती थी। ये कहते हुए थेल्मा उसे गुस्सा करती है। एलन हसन को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद करने के लिए। एलन को अपनी मेमोरी रिकॉल करनी थी, लेकिन हसन ये कहते हुए मना करता है कि उसने एक क्लाइंट के साथ ऐसा किया था, लेकिन वो क्लाइंट अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। थेल्मा जानती थी कि एलन उनके मदद के बिना भी ये कर सकता है, सो हसन एलन के हेड को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। एलन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ मेमोरीज को देख सकता है। और एलन को 5 मिनट रहते हुए वो वायर निकालनी है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन एलन जल्दी ही रिकवर कर जाता है और फुटेजेस देखना स्टार्ट करता है। एलन उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल्स, उसके पहली किस और वो खुद को मिरर में भी देखता है। ऐसे करते करते फाइनली वो उस दिन तक पहुंच जाता है जब वो लुइस के साथ खेल रहा था। वो देखता है कि वक्त के साथ उसकी मेमोरी कितनी चेंज हो गई है। लुइस जब उस लकड़ी के पास जा रहा था तो एलन को खतरा महसूस होता है, तो वो उसे जाने से रोकता है। जिसे वो इतने साल तक लुइस का ब्लड समझ रहा था, वो सिर्फ एक पेंट होता है। ये देख एलन बहुत खुश होता है, लेकिन वो टाइम रहते वायर निकालना भूल जाता है और उसे एक जोरदार करंट लगता है, लेकिन एलन बच जाता है। फिर वो दोनों कटर का शुक्रिया अदा करता है, आज उनके वजह से उसे सच्चाई का पता चला है। एलन घर आने के बाद उसे अपना डोर ओपन दिखता है। अंदर फ्लेचर और साइमन होते हैं, जो बैनिस्टर का इम्प्लांट लेने आए थे। एलन उन्हें वो दे देता है, क्योंकि वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो गया था। टूटा हुआ इम्प्लांट देख फ्लेचर गुस्से में एलन के नोट्स लेके जाता है। नेक्स्ट डे एलन मिसेस बैनिस्टर से मिलने जाता है और कहता है कि एक एक्सीडेंट में ये फुटेज डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सुनकर मिसेस बैनिस्टर गुस्सा करती है, लेकिन अगले ही पल वो शांत भी हो जाती है और एलन से कहती है कि कुछ मेमोरी को भूलना ही अच्छा होता है। इजाबेल ये सुनकर नाराज होती है और वो अपने रूम की तरफ भागती है। रूम के विंडो से वो नीचे एलन को जाते हुए देखती है। ये सब इजाबेल के ओन इम्प्लांट में रिकॉर्ड हो गया था और ये सब उसे कभी न कभी जरूर याद आएगा। नेक्स्ट सीन में एलन लुइस के ग्रेव के पास जाता है और वहाँ उसका नेकलेस रख देता है। एलन जाने ही वाला होता है कि उसे ढूंढते हुए वहाँ फ्लेचर आ जाता है। फ्लेचर कहता है कि तुमने कटिंग छोड़ दी है और सर्च करने पर यह भी पता चला है कि तुमने इम्प्लांट करवाया है। इसका मतलब बेनिस्टर की मेमोरीज अब तुम्हारे माइंड में है। एलन वहाँ से भागता है और फ्लेचर उसे गन से चेस करने लगता है। वो फायर भी करता है, लेकिन वो शॉट मिस कर देता है। चेसिंग के दौरान एलन जमीन पे गिर जाता है और फ्लेचर उसे गन पॉइंट पे लेता है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो अपना डिसीजन चेंज करता है। एलन फ्लेचर से तो बच जाता है, लेकिन साइमन आके उसे शूट कर देता है। एट द लास्ट सीन हम फ्लेचर को देखते हैं, जो लुइस का नेकलेस पहनकर एलन के इम्प्लांट देखता है। उसे सिर्फ बेनिस्टर के बारे में जो भी बुरी डिटेल्स थी वो जाननी थी। वो एलन को याद करते हुए कहता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।